हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं फाइल्स ऐप को अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा कि वीडियोस के अंदर आपको बताया जाता है कि फाइल्स का जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करना है, अपडेट्स अनइंस्टॉल करने हैं, लेकिन यहाँ पे अपडेट्स अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो क्या दिक्कत है, कैसे आप इसको ठीक करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा प्रोसेस इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास फाइल की एप्लीकेशन, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके मैं इसके ऐप इन्फो में चले जाता हूँ। तो ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे अनइंस्टॉल का अपडेट अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं है। बेसिकली अगर आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ऐप इन्फो के बगल में ही थ्री लाइन्स या फिर थ्री डॉट्स मिलते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको इसके जो अपडेट्स है उसको हटा सकते हैं, अपडेट्स अनइंस्टॉल हो जाते हैं। बट अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा तो दूसरा क्या प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस यहाँ पे ये होगा कि आपको सबसे पहले तो अपने प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाकर एक एप्लीकेशन लेनी होगी, डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी होगी। तो प्ले स्टोर में आइए, फाइल्स लिखिए यहाँ पे FILE। फाइल जैसे आप लिखते हैं इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा ये। तो यहाँ पे 80 MB का एक मात्र एप्लीकेशन है फाइल्स का ही, तो इसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कीजिए, आपका जो फाइल है उसका आपको अपडेट अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप जो भी OBB या फिर डेटा में जो भी फाइल वगैरह लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।